हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ NIT हमीरपुर में आई हुई वैकेंसीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो ये वैकेंसीज़ जो हैं निकली हैं NIT हमीरपुर में। वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है डेप्यूटेशन बेसिस पे। एडवर्टीजमेंट नंबर है 5/2020। टू नंबर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, एक एक पोस्ट जो है हर एक डिपार्टमेंट में, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की एक और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक एक वैकेंसी ये भरी जाएगी। इसमें अगर पेमेंट की बात करें तो आप यहां से देख सकते हैं 9300 से लेके 34800 प्लस ग्रेड पे रहेगा 4600 पर मंथ का। और इसमें जो है डेप्यूटेशन बेसिस पे प्योरली ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। और इसमें जो इनिशियल आपकी अपॉइंटमेंट होगी ये होगी 3 साल के लिए, जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। और इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी अगर बात करें तो आप ऑफिसर्स होने चाहिए अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटीज़, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और गवर्नमेंट लेबोरेटरी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। आपने जो है फर्स्ट क्लास BE या फिर BTEC किया होना चाहिए सिविल/इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए या तो आपने सेम पोजीशन की होल्ड की हो पोस्ट जो मैंने आपको बताया सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर्स में, या फिर आपके पास 5 साल का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद ग्रे पे, जो ग्रेड पे है आपका 4200 एज जूनियर इंजीनियर का। और आपका जो पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन इसमें मैंने बता दिया है आपको, और मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए आपकी जो है 56 साल रखी गई है। और ये होनी चाहिए आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इस तक जो है आपकी एज काउंट की जाएगी। अब बात करें इसके लिए आपके बायोडाटा फॉर्म की, तो इस तरह का बायोडाटा फॉर्म आपको भर के भेजना होगा। एड्रेस अभी बताता हूँ आपको, लेकिन इस तरह का जो है आपका सारा ये फॉर्मेट रहेगा जो आपको भर के भेजना होगा। रजिस्ट्रार NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, और इसके लिए लास्ट डेट रहेगी आपकी 15 जनवरी 2021 की। और इसके साथ ही साथ आपको फोटोकॉपीज़ भेजनी होंगी ACRs या फिर APARs फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, जो कि ड्यूली अटेस्टेड हो बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी या फिर उसके इक्विवेलेंट का। तो ये था गाइज इन वैकेंसीज़ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इस तरह के अपडेट्स आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।